मेजोरिटी है वो ऑलवेज वर्क करती है माइनॉरिटी फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, इट इज नॉट नेसेसरी, ये जरूरी नहीं है कि ये जो रूल है मेजोरिटी का बिकॉज लिंग्विस्टिक ग्रुप। ठीक है, इसमें क्या है कास्ट लिंग्विस्टिक ग्रुप इनके खिलाफ रूल बाय मेजोरिटी मीन्स दैट इन केस ऑफ एवरी डिसीजन एवरी डिपेंड रूल बाय डिफरेंट पर्सन एंड ग्रुप कैन फ्रॉम अ मेजोरिटी। इसमें क्या है मेजोरिटी में आपके अलग अलग तरीके के लोग आ जाते हैं अलग अलग सिटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन। इसमें क्या है मेजोरिटी की जो आपकी इलेक्शन के बाद कितनी फ्रीडम मिल रही है डिग्निटी एंड फ्रीडम इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। हाँ, ये मतलब काफ़ी टाइम के बाद जो है वो स्कूल जो है वो ओपन हुए हैं। पहले तो सब कुछ वर्चुअली ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू ही चल रहा था, जिससे कि मतलब पूरा 100% हमें जो था वो मिल नहीं रहा था। इवन आवर टीचर्स वर ट्राइंग देयर बेस्ट बट स्टिल हमें वो 100% मिल नहीं रहा था। लेकिन ड्यू टू ऑफलाइन क्लासेस हम कोशिश करेंगे कि हम वो 100% जो है वो जो रेस्ट परसेंटेज है वो हम गेन करें, बिकॉज हम अभी बोर्ड स्टूडेंट्स हैं तो हमारा स्पेशली हमारा काफ़ी लॉस हुआ है, क्योंकि स्कूल में प्री बोर्ड्स होते हैं, हमारे रेगुलर पीरियडिकली टेस्ट होते हैं, तो वो जो चीज़ें हैं वो मिस हुई हैं। लेकिन अगर हमारे जो बोर्ड एग्ज़ाम है थोड़े डिले हों और हमें एटलीस्ट वन मंथ का जो है वो टाइम मिल जाए हमारे प्री बोर्ड्स के लिए हमारे टेस्ट के लिए, तो शायद हम वो 100% गेन कर सकते हैं और अपने बोर्ड्स में जो है वो अच्छा स्कोर कर सकते हैं। खुले हैं तो हमारे लिए ऑब्वियसली ये बहुत अच्छा है कि हम अपने जो हमारा बैकलॉग है हमारे जो डाउट्स थे वो हम टीचर्स के साथ मिलकर हम उसको क्लियर कर सकते हैं और अपने बोर्ड्स में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। अब हम देख रहे हैं कि 11th भी बोर्ड हो गया है तो अभी हमें अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा और हम अपने कॉन्सेप्ट्स को अपने टीचर्स के साथ मिलकर और क्लियर करने की कोशिश करेंगे। जो 9वीं से लेकर 12वीं तक गवर्नमेंट ने अलाउ किया है बच्चों को स्कूल आने के लिए, बच्चे भी खुश हैं, उनके पेरेंट्स में भी जो साइकोलॉजिकल था कि बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं और ऑनलाइन जिस तरह से पढ़ रहे थे दे वर नॉट सेटिस्फाइड विद दैट, और आज वो पेरेंट्स थोड़े साइकोलॉजिकली या खुश हैं कि बच्चे आप स्कूल जाना शुरू हुए हैं और साथ में इनकी वैक्सीनेशन भी अच्छे से हो गई है, डबल डोज हो गई है और अब बच्चे भी लग रहा है कि हाँ अब हम कुछ कर सकते हैं। और बच्चों में एक है थोड़ा सा भय है कि हम अब ऑफलाइन जाएंगे, ऑनलाइन से ऑफलाइन में जाना है तो थोड़ा इनको वक्त लगेगा ऑफलाइन आने में, और ताकि अपने जो एग्ज़ाम्स हैं बोर्ड के एग्ज़ाम्स हैं वो अच्छे से करें और अच्छे मार्क्स ले सकें। तो ये बोर्ड परीक्षा में आने वाले समय में कितना असर देखने को मिल सकता है? हाँ, बोर्ड की परीक्षा में थोड़ा असर तो मिलेगा ही, क्योंकि ये पहले रहे ऑनलाइन पढ़ते हैं और अब इनको बिल्कुल ऑफलाइन एक मोड से दूसरे मोड में लाए हैं, तो दूसरे मोड में जब आए हैं तो इनको थोड़ा सा वक्त मिलना चाहिए, 15-20 दिन का एक्स्ट्रा टाइम मिलना चाहिए। बोर्ड की तरफ से हमें गुजारिश है कि 15-20 दिन का, जो आप 1 मार्च को शुरू करें तो चाहे थोड़ा सा 20 मार्च या 30, तब तक ये अपने दे विल एक्लेमेटाइज देमसेल्व्स अकॉर्डिंग टू द ऑफलाइन कोर्सेज। तो मैं यही कहूँगा कि अभी है इनके पास टाइम है 15 दिन। ये सर किस तरह से देखते हैं 9वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा जो है वो शुरू की गई है और उम्मीद है कि 21 को भी बाकी कक्षाएं शुरू हो जाएंगी, किस तरह से सर देखते हैं? जी सबसे पहले सबको नमस्कार, मैं नरेश कुमार, चेयरमैन लर्निंग टेंपल हाई स्कूल कठुआ, और बड़ा सुकून के पल हैं जी हम सबके लिए कि एक लंबे अंतराल के बाद आज बच्चों को स्कूल आने की अनुमति गवर्नमेंट का ऑर्डर आया है। अभी पीछे कल जो शाम को गाइडलाइंस रिलीज़ हुई तो उसमें 9th to 12th क्लास के स्टूडेंट्स को फिजिकली अपना स्कूल अटेंड करने की परमिशन दी गई है, एंड इट्स रियली अ ग्रेट न्यूज़ फॉर ऑल द स्टेक होल्डर्स, चाहे वो पेरेंट्स हैं, चाहे वो बच्चे हैं या टीचर्स हैं। हमने भी आज यहाँ कल जैसे ही हमें नोटिस मिला तो इमीडिएटली बच्चों को वो जानकारी दी गई, और आज सभी तो नहीं आ पाए लेकिन काफ़ी हद तक बच्चों ने क्लास अटेंड की है। अभी 9th और 10th के बच्चे यहाँ बैठे हैं और ये बहुत ज़रूरी था क्योंकि इनके बोर्ड एग्ज़ाम्स बिल्कुल नज़दीक हैं। मार्च के महीने में आप जानते हैं कि सेशन क्लोज हो जाता है और एग्ज़ाम्स जो हो जाते हैं, और ऑनलाइन क्लासेस में सिर्फ एक समस्या जो रही कि उसमें कुछ बच्चे जो हैं वो रेगुलर नहीं थे। हालांकि बच्चों ने बहुत अच्छे से क्लासेस ऑनलाइन लगाई हैं, बच्चों अभी हम आज जब बातचीत हुई है उनसे फिज़िकली तो बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं, लेकिन फिज़िकल स्कूल और ऑनलाइन स्कूल में हम सब जानते हैं देर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस। और जहाँ तक मजबूरी थी, जहाँ तक वो कोविड की बात थी, तब तक तो चलो चलता रहा, लेकिन अब हालात जो है वो सुधर रहे हैं
और काफ़ी अच्छी गवर्नमेंट की तरफ से भी काफ़ी जो इनिशिएटिव लिया गया खास करके जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की ओर से। हमारे स्कूल थोड़े यहाँ पर लेट खुले हैं, लेकिन यहाँ कहना चाहूँगा देर आए दुरुस्त आए, अब जो है रेगुलर वे में स्कूल्स लगने चाहिए। आपने अभी कहा कि 21 तारीख से बाकी क्लासेस भी खुल जाएंगी, तो बिल्कुल ठीक, ये गाइडलाइंस इसी तरह से आई हैं कि आने वाले 21 तारीख सोमवार से बाकी जो क्लासेस हैं, जो 9th से नीचे की क्लासेस हैं, वो भी बच्चे फिजिकली स्कूल आ जाएंगे। तो बहुत राहत का ये समाचार है, और बच्चे फिजिकली आज बच्चों के चेहरे पे जो रौनक है, जो एक आप देख सकते हैं कि वो किस तरह से बच्चे एक दूसरे को मिले भी और इंटरेक्शन भी हो रही है टीचर से फिजिकली, एंड इट इज़ रियली वंडरफुल, इट इज़ रिक्वायर्ड। और अभी उम्मीद करते हैं कि ये बच्चों का इस पे रिजल्ट जो आने वाले एग्जाम्स हैं अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। किस तरह से देखते हैं सर आप, जैसे कि जो गैप रहा है दो करीब 2 साल का गैप है, ऑफलाइन एजुकेशन ऑनलाइन एजुकेशन, ये जो गैप रहा है इसे बच्चे तो कवर करने की कोशिश करेंगे, मगर आपकी ओर से किस तरह के ऐसे कदम उठाए जाएंगे ताकि बच्चों को वो गैप जो है प्रॉपर वे में। बहुत अच्छी बात पूछी आपने, बिल्कुल। देखिए 2 साल का गैप रहा है, बीच में बच्चे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अपने अध्यापकों से और स्कूल से जुड़े हुए थे, लेकिन अब क्योंकि फिजिकली क्लासेस शुरू होने वाली हैं, तो हमने जो जिस तरह से स्ट्रेटजी जो बनाई है आने वाले समय में, कि जैसे बच्चे स्कूल आएंगे सबसे पहले हम उनका सबका इंडिविजुअल फर्स्ट 10 डेज में चेक करेंगे बच्चे किस किस लेवल पे हैं, क्योंकि हर कोई एक जैसा नहीं होता। कुछ बच्चे रेगुलर स्कूल में ऑनलाइन जुड़े रहे, कुछ ऑन एंड ऑफ होते रहे, और कुछ ऐसी परसेंटेज भी रही है जो बिल्कुल भी ऑनलाइन क्लासेस में एंटर नहीं करे। लगभग 10 से 12% बच्चे ऐसे भी थे। तो अब उन बच्चों को असेस किया जाएगा पहले 10 दिनों में आते ही जैसे स्कूल आएंगे, और उनको जहाँ जहाँ उनकी प्रॉब्लम्स हैं, कुछ बच्चों को इवन रीडिंग के लिए भी प्रॉब्लम आएगी, कुछ को राइटिंग्स की प्रॉब्लम आएगी, तो उस तरह से इंडिविजुअल बच्चे को देखकर तैयारी कराई जाएगी। और 10 दिन के बाद फिर उनका जो आगे एग्ज़ाम का पैटर्न है उसमें भी हम कुछ तब्दीलियां करेंगे, कि एग्ज़ाम जो है वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना उनका बेस इंपॉर्टेंट है। और मुझे लगता है ये 2 साल का गैप, इसको कवर करने में अभी समय लगेगा, एटलीस्ट 3 से 4 महीने जब बच्चे लगातार अब स्कूल आएंगे तो हम ठीक तरह से बच्चों के बेस को फिर से अपने दोबारा उस स्थिति पे जैसे पहले इनको छोड़ा गया था कोविड से पहले।